दोस्तों, भारत और ब्रिटेन के संबंध इस वक्त काफी अजीब दौर से गुजर रहे हैं। जहां एक तरफ दोनों देशों के बीच में कई अलग अलग मुद्दों को लेकर डिसएंगेजमेंट्स है, वहीं पर दोनों देशों के आर्थिक हित भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में भारत और ब्रिटेन के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना लगभग हर समस्या को हल कर सकता है, क्योंकि इससे दोनों देशों का व्यापार काफी तेजी से बढ़ेगा, जिससे भारत और ब्रिटेन की सरकारों के बीच में कूटनीतिक रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे। और अब इसी की कड़ी में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक काफी बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल दोस्तों, भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों ने एक दूसरे के साथ फोन पर बातचीत की और इस बात का फैसला लिया कि दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी से जल्दी पूरा कर लेना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने की बधाई भी दी है और इस बात की कामना की है कि भारत और ब्रिटेन के संबंध आने वाले समय में मजबूत हो और दोनों देश मिलकर काम कर सके। वहीं पर ऋषि सुनक ने भी नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के मजबूत रिश्तों के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्दी से जल्दी साइन करना काफी जरूरी है, जिससे दोनों देशों के हितों का फायदा होगा। लेकिन दोनों ही देश इस बात को भी ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहे हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और ब्रिटेन दोनों के हितों के हिसाब से हो और किसी एक देश की तरफ ज्यादा झुका ना हो। ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बने हुए केवल कुछ ही दिन हुए हैं। ऐसे में इस वक्त भारतीय प्रधानमंत्री के साथ फोन पर एक बातचीत इस बात को दर्शाता है कि भारत और ब्रिटेन भविष्य में एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं। वहीं पर इसके साथ ही ऋषि सुनक भी भारत के साथ एक मजबूत और स्थिर रिश्तों की तरफ देख रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि भारत के साथ मजबूत रिश्ते ब्रिटेन को काफी ज्यादा फायदा दे सकते हैं रूस और विश्व के अलग अलग तरह के मुद्दों को सुलझाने के लिए। हालांकि इमिग्रेशन का मुद्दा भारत और ब्रिटेन के संबंधों को मजबूत होने से रोक रहा है, क्योंकि जब तक ब्रिटेन की सरकार भारतीय लोगों और इमिग्रेशन जैसे मुद्दों के ऊपर साफ सुथरे बयान नहीं देती और अपना मत जाहिर नहीं करती, तब तक दोनों देशों के लिए आगे बढ़ पाना काफी मुश्किल होगा। क्योंकि सुएला ब्रेवरमैन के आपत्तिजनक बयानों की वजह से भारत और ब्रिटेन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टूट गया था, जबकि ऋषि सुनक ने सुएला ब्रेवरमैन को एक बार फिर से ब्रिटेन का गृह मंत्री पद सौंप दिया है और पुरानी इमिग्रेशन पॉलिसी को भी रद्द कर दिया है, जिसके तहत ज्यादा भारतीय ब्रिटेन में जाकर काम कर सकते थे। ऐसे में इस इमिग्रेशन के विवाद को सुलझाना भारत और ब्रिटेन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि तभी जाकर दोनों देश खुले मन के साथ अपनी साझेदारी को बढ़ा सकेंगे। वहीं पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का साइन होना केवल आर्थिक मुद्दा ही नहीं है, बल्कि इस बात को भी दर्शाता है कि दो देशों के बीच के संबंध कितने ज्यादा मजबूत है, क्योंकि किसी देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तभी साइन किया जा सकता है जब दोनों देशों के बीच के कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध काफी ज्यादा मजबूत हो। वहीं पर इससे होने वाले आर्थिक फायदे से भी कोई इंकार नहीं कर सकता, जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का आधार है। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऋषि सुनक के बीच में हुई इस बातचीत से भारत और ब्रिटेन के संबंध आगे जाकर अच्छे होंगे और दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और दूसरे मुद्दों के ऊपर तेजी से काम करके कोई बड़ा फैसला लेंगे, इसकी उम्मीद एक बार फिर से जाग उठी है। साथ ही अगर दोनों देश एक साथ मिलकर काम करते हैं तो भारत और ब्रिटेन के मजबूत संबंध पूरे विश्व के लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे। बहरहाल, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, एक के बाद एक जैसे विश्व के बड़े देश भारत की आजाद विदेश नीति के ऊपर बयान दे रहे हैं, इससे ये बात तो साफ हो चुकी है कि दुनिया के अधिकतर देश भारतीय विदेश नीति के कायल हो चुके हैं और खुलेआम भारत की तारीफ करने से पीछे नहीं हट रहे। जहां कुछ समय पहले ही यूएई के एक उच्च मंत्री ने साफ तौर पर डॉक्टर एस जयशंकर का नाम लेते हुए भारतीय विदेश नीति की तारीफ की थी, वहीं पर यह बात कही थी कि वह डॉक्टर एस जयशंकर से काफी प्रभावित हैं। वहीं पर अब खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एक काफी बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सच्चा देशभक्त कहते हुए यह बात साफ तौर पर कही है कि जिस तरह से भारत अपनी आजाद विदेश नीति को लेकर आगे बढ़ रहा है और भारत ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी रूस के साथ अपना व्यापार बंद नहीं किया, यह इस बात को दर्शाता है कि मौजूदा समय में भारतीय विदेश नीति केवल भारतीय लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। यहां तक कि पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक आइस ब्रेकर कहकर भी संबोधित किया, जो कि पश्चिमी देशों के दबाव की बर्फ को काटते हुए लगातार भारतीय लोगों की भलाई के लिए आगे बढ़ रहा है। वहीं इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन ने भारत और भारतीय विदेश नीति की तारीफ करते हुए ये बात भी साफ कर दी है कि वह खुद भी व्यक्तिगत तौर पर भारत से काफी ज्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत पश्चिमी देशों और दुनिया भर के दबाव के खिलाफ जाकर वही कर रहा है जिससे भारतीय लोगों को फायदा होगा, वह अपने आप में पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन चुका है। दोस्तों, भारतीय विदेश नीति पर रूसी राष्ट्रपति के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।